नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज 27 में। महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती समारोह के विशाल दिव्यांग शिविर के तीसरे चरण में सामग्री वितरण समारोह का आयोजन मंगलवार को महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। इस दौरान पिछले शिविर में बनी सूची के अनुसार पीड़ित लोगों के बीच कृत्रिम पैर, कैलिपर, तिपहिया साइकिल, श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। बहरी प्रखंड के सिर बिजुलिया से आए अरविंद कुमार यादव ने कहा कि उसके दो पैर और एक हाथ नहीं थे। ग्रामीण स्तर पर मुखिया एवं सरपंच से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिले। लेकिन आज मेरी ख्वाहिश राज परिवार ने पूरा किया, कई जरूरतमंद लोगों को मदद की गई। जैसे यहाँ से दरभंगा से गाड़ी लेके सीतामढ़ी गया था, मेरे साथ दूसरा एक ड्राइवर था जिसका ड्राइवर का नाम था सिया प्रसाद यादव, गांव सारा महनपुर के रहने वाला था। श्री बालाजी डिस्पोजल कंपनी में गाड़ी चलाने के दूसरी गाड़ी चलाता था, उस दिन मेरे को उस गाड़ी पे भेजा गया था। तो मैं उधर से जब वापिस आ रहा था, वो ड्राइवर ने ट्रक की जैसे गाड़ी साइड में लगा के और वहाँ 11,000 वाला तार लटका हुआ था। वो ड्राइवर देखा नहीं करके पेशाब करने चला गया। मैं कंडक्टर सीट लेता हुआ जैसे मैं उतरने की कोशिश किया तो मैंने उनको बोला ये क्या किया आप, तार लटका हुआ है। जब हवा चल गई गाड़ी में तार टच हो गया, मैं झुलर गया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, मेरा इलाज चला, ले गए लोग देखे तो ले गए मुजफ्फरपुर ITI मोहरिया हॉस्पिटल में, जिसमें मेरा दोनों पांव और एक हाथ खोना पड़ा। कितने दिन पहले की घटना है ये? 12 फरवरी 2019। अच्छा, तो अभी आपको जब ये कृत्रिम अंग दिया गया है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और राज परिवार के प्रति क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भगवान की कृपा है, मेरे लिए जिंदगी में उजाला ला दिए। हमारे गांव का एक लड़का है राजेश कुमार, उसने बताया कि ऐसे से बात है तो तुम वहाँ जाओ। अच्छा, ये बताइए कि उस समय के बाद आप कुछ काम वगैरह करते थे? जी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। अभी आपको क्या उम्मीद जगी है, कुछ कर पाएंगे इसके बाद? हाँ जी, कुछ उम्मीद है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। दुकान थोड़ा सा कुछ भी बैठ के कर सकता हूँ, थोड़ा चल फिर सकता हूँ, ये है कि उम्मीद। राज परिवार के लिए तो यही कहूँगा कि सर मैं, मेरे लिए तो भगवान साबित हुए, ऐसे ही गरीब असहाय के विकलांग की मदद करते रहे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। धन्यवाद।